फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, कह सकते हैं कि आईटी अवार्ड की खबर पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। इंडिया में नहीं, बाहर के देश में भी इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। जहाँ पे इस पे छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक इस अवार्ड का हिस्सा बनते हैं। जहाँ पे जो हैं, जो राजनीतिक में होते हैं उन्हें, या जो सोशल मीडिया में एंकर होते हैं वो, या जो सोशल मीडिया के यूट्यूबर हैं, या वेब सीरीज़ हैं, या मूवी हैं, सभी कैटेगरी को ये नॉमिनेट करते हैं। ऐसे में इस अवार्ड की चर्चा इसलिए बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इस अवार्ड को काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। ऐसे में इस बार इनका ये 24वां अवार्ड है। साल में एक बार, यानी कि 24 साल इन्होंने कम्प्लीट कर लिए हैं। उसी के बीच में अब जूरी के अकॉर्डिंग जो नॉमिनेशन हो रहे हैं छोटे पर्दे के, वो मैं आपको लगातार अपडेट देती रहूँगी। आप जो है, इन्होंने अभी सोशल मीडिया में पोस्ट किया है बेस्ट नेगेटिव रोल इन टीवी शो, तो कौन सी कैटेगरी को इन्होंने जो है नॉमिनेट किया है और किसको ज़्यादा वोटिंग हो रही है, किसकी उम्मीद है कि जो है ये विनर हो सकता है। देखिए, अभी अवार्ड की जो है डेट तो नहीं आई है कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा या कब ये परफॉर्मेंस देखी जाएगी, बट अभी नॉमिनेशन स्टार्ट हो गए हैं। मे भी 1 वीक या 15 डेज में जो है नॉमिनेशन की जो लिस्ट है वो सामने सारी आ जाएगी, उसके बाद ही फाइनल होगा। तो ऐसे में जो इन्होंने बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेट किया है वो है आपके प्यारे अंशुल भामी, जिन्हें आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी स्टार प्लस पर देख रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव रोल कर रहे हैं, जिन्होंने क्राइम कर लिया है और अमीर जादे के बेटे बनकर इस तरह घूम रहे हैं जैसे हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात आती है आपके नंबर 2 की पोजीशन पे, किया है आपके गौरव शर्मा को, जो कि अनुपमा में तोशु का रोल निभा चुके हैं। कह सकते हैं बहुत प्यारे एक्टर्स हैं और बहुत प्यारी क्वालिटियाँ हैं। नंबर 3 की पोजीशन पे है आपका प्यारे से हेमंत खेर, जो कि पुष्पा इम्पॉसिबल में काफ़ी बड़ा नेगेटिव रोल करते हुए नज़र आते हैं। नंबर 4 की पोजीशन पे हैं आपके प्यारे मनीष जौरा, जिन्हें आप देख चुके हैं नेगेटिव रोल करते हुए प्यार का पहला नाम राधा मोहन। राधा मोहन में आपको ये नज़र आएंगे और जो है कह सकते हैं नज़र आए हैं और काफ़ी नेगेटिव रोल इनका अच्छा लगा है। वैसे तो एक तरह के कुंडली भाग्य में ऋषभ का रोल और नागिन में भी ये कर चुके हैं, लेकिन नॉमिनेट ये राधा मोहन के लिए हुए। बात आती है आपके नंबर 5 की पोजीशन पे, इन्होंने नॉमिनेट किया है निकेतन धीर को श्रीमद रामायण, जिसे आप सोनी पे भी देखा है और सब टीवी पर भी देख रहे हैं। तो ये वो नॉमिनेशन लिस्ट है। अगर बात करें इनमें सबसे ज़्यादा वोटिंग किसको हो रही है, तो वो है आपके पुष्पा इम्पॉसिबल के हेमंत खेर को, और दूसरी जो है आपके अनुपमा के गौरव शर्मा को। और अगर जीतने की उम्मीद करें तो मुझे जो इनकी पॉलिसी शुरू से लगता है, ये सोनी और सब को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उम्मीद है कि सब टीवी या सोनी वाले को ये विनर करेंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपने किसे वोटिंग किया है कमेंट ज़रूर करना। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।